हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं हम सफेद छोले भटूरे के साथ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये ओवरनाइट सोक्ड चने हैं, काबुली चने भी बोलते हैं इनको। ये पूरी रात मैंने भीगने के लिए रख दिए थे और ये फूल के अच्छे हो गए हैं। अब इनको हम लोग अब करेंगे बॉईल। कुकर में 2 सीटी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कुकर में डालते हैं इन छोलों को। ये हमने छोले कुकर के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, छोटा चम्मच नमक का। और इसमें कलर करने के लिए, जैसे ब्लैक कलर थोड़ा सा होता है पंजाब में जो छोले बनते हैं वो थोड़ा सा ब्लैकिश होते हैं, तो वो करने के लिए या तो हम टी बैग इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे या तो हम इसके अंदर टी बैग डाल सकते हैं, जैसे टेटली की टी बैग्स हैं ये डालें, ये डाल सकते हैं। इससे छोलों में अच्छा सा फाइन कलर आ जाता है, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ उसमें। मैं डालती हूँ सूखे हुए आंवले। तो थोड़े से हमने सूखे हुए आंवला डाला, जो पौष्टिक भी हो जा गया और कलर भी आ गया। थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, ये थोड़ी सी हल्दी। इसमें कुछ मसाले हैं, जैसे ये 1 बड़ी इलायची बॉईल करते हुए डाल देंगे, 2 ग्रीन इलायची, छोटी इलायची, 4-5 लौंग, कुछ काली मिर्च, सिनेमन और ये। अब करेंगे कुकर को बंद और रख देंगे गैस के ऊपर। चने की ग्रेवी के लिए हम लेंगे 2 बड़े प्याज, 4 टमाटर, थोड़ा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। लहसुन और प्याज अगर नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। प्याज, लहसुन और अदरक, इन तीनों को एक साथ मिक्सी में पेस्ट कर बना लेंगे। इसमें हम डालेंगे ऑयल। मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, और वरना कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। सरसों का तेल लें, चाहे रिफाइंड ऑयल लें, कोई सा भी ले सकते हैं। शाही जीरा और सादा जीरा, तेज पत्ता, सिनेमन, शाही जीरा डालने के बाद फिर हम डालेंगे प्याज की पूरी। जब ये प्याज, लहसुन, अदरक का मसाला थोड़ा सा सिक गया, फिर हमने ये टमाटर की ग्रेवी इसमें डाल दी। टमाटर का जो पल्प हमने मिक्सी में किया था वो इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब इसको और पकाएंगे जब तक ये अपना, इसके टमाटर पक नहीं जाए। और अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया, कोरिएंडर, ये
नमक हमने चने उबाले थे उसमें भी डाला था और ये ग्रेवी में। अब आप देख रहे हैं मसाला थोड़ा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स डालने से ये रिच हो जाता है और पौष्टिक तो होता ही है। मम्मी लोग अगर अपनी किचन में पौष्टिकता का ध्यान रखें तो बच्चों में किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। तो हम कभी भी कुकिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें पौष्टिक चीजें जरूर मिला लें। क्योंकि अगर कॉर्नफ्लेक्स या जैसे कोई भी चीज अगर जो पौष्टिक होती है वो हम अगर बच्चों को अलग से देते हैं तो वो थोड़ा सा आनाकानी करते हैं। उसके लिए हमको फिर मम्मी लोगों को फिर ऐसी ट्रिक अपनानी पड़ती है जो बच्चों को पता भी नहीं चले और वो खा भी ले। ये हमारा मसाला पक के तैयार हो गया है। अब इस मसाले को हम डालेंगे छोलों में। ये हमारे चने उबल के तैयार हो गए हैं, बॉयल हो गए हैं। ये देखिए इसमें कलर है। गल गए हैं। और बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। और ये हमारी तैयार हो गई है छोले भटूरे। ये हमारे छोले हैं।